जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद में चल रही राशन वितरण की समीक्षा की। उन्होंने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, जिससे कि सभी नागरिकों को पूरा राशन मिल सके। उन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर को निर्देशित किया कि कोटेदारों को समय से राशन उपलब्ध करवाएं, जिससे कि समय से राशन का वितरण सुनिश्चित हो सके और राशन वितरण में किसी तरह की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरे बिजनेस प्लान तो बताओ, कुछ तो विशेष बात होगी। जो आदमी 51 डाल रहा है, 56 डाल रहा है, उसका और तुम्हारा इतना अंतर बिजनेस प्लान में कैसे आ सकता है? कौड़ी राम दादा दूर भी नहीं है, 37 कैसे कर पाओ तो बताओ। कुछ सोच समझ के डाला है या माफिया गिरी के लिए डाला है? और किस इसके अलावा कोई और काम नहीं हो रहा है? कहाँ के रहने वाले वो? जानते हो ना इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? किसका है? पिप्रोली गोरखपुर नगर कोराबार तो दोनों तो नहीं है। तो सर तेल सर जो लग रहा है 500 से 600 या 700 सर तेल लग रहा है और 20 टन सर गाड़ियाँ लोड करती हैं, तो मेरा सर 4000 से 4500 रुपये सर भाड़ा पड़ रहा है। सर तो एक भी ट्रक ड्राइवर होगा तो हिसाब लूंगा, कटौती भी होगी और ये होगा। बढ़िया करिए, टूटी शिकायत के शिकार नहीं होंगे तुम लोग, बढ़िया कर लोगे। जियो में लिखा है कुछ और कोई जियो में विशेष बात जो इनको वाकिफ करना है? इसमें हम आपकी मार्केटिंग की टीम और सप्लाई की टीम कोई भी इनको परेशान नहीं करेगा। और इनका भुगतान क्या पेमेंट टर्म्स क्या है इनके? अनुबंध कर सकते हैं बिल बिल सबमिट बिल के 15 दिन बाद या बिल सबमिट करके तुरंत हो जाएगा? कैसे हो जाएगा तुरंत? नहीं हो क्या अभिलेख चाहिए आपको? ये बस अपनों से ये सबमिट करते हैं। इसमें कंसल्टी कौन करता है? मार्केटिंग वाले करते हैं या सप्लाई इंस्पेक्टर करता है या एसडीएम करता है, कौन करता है? मेरे यहाँ इनका होना है, मेरे पास आएगा, मैं सर आज तुरंत पेमेंट होना चाहिए। इनका कैश फ्लो नहीं रहेगा तो कटौती करना शुरू कर देंगे।